वेलकम गेंद चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो जो इंडियन स्पोर्ट्स का जो सेकंड इंटेक है 2021 का, उसका जो सेकंड फेज़ है, तो आज उस पर हम बात करेंगे जोधपुर सेंटर का। कुल मिलाकर क्या रहा PFT को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट था, और जो आगे आने वाले समय में क्या है कि जोधपुर पर अपना रिपोर्टिंग करने वाले हैं सेकेंड फेज़ के लिए, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो GD टॉपिक होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। और जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ से अपना रिव्यू शेयर कर सकती हूँ। तो आइए चलते हैं, आप यहाँ से देख सकते हो भाई रिव्यू दे रहा हूँ। भाई मेरा फेज़ टू राजस्थान जोधपुर में 11 जनवरी 2021 को था, रिपोर्टिंग 5:30 पर था और 250 की रिपोर्टिंग थी, जबकि 245 ने रिपोर्टिंग किया था। तो आप यहां से देख सकते हैं कुल मिलाकर वहां 250 कैंडिडेट को बुलाया गया था, लेकिन उसमें से 5 ऐसे कैंडिडेट रहे थे जो कि एब्सेंट रहे थे, और इनका जो सेंटर था वह जोधपुर था, 5ASC पड़ता है जो राजस्थान में। तो आगे देखते हैं, कुल मिलाकर 5 कैंडिडेट एब्सेंट रहे थे। तो मैंने इनसे पूछा इसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद मैं 5:50 पर फर्स्ट बैच के कदम ताल हुए, फिर फर्स्ट बैच के पुशअप स्क्वाट्स हुए। तो क्या था कि दो बैच बना दिए गए थे, इस दो बैच में क्या था कि जो पहला बैच था 5:50 यानी अप्रोक्स आपका 6 बजे पुशअप उसकी और कदम ताल कराया गया था। तो मैंने इनसे पूछा कदम ताल में कोई आउट हुआ क्या, क्योंकि 11 जनवरी को क्या था कि बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि कदम ताल में बहुत सारे कैंडिडेट आउट हो चुके हैं। तो इन्होंने बोला फर्स्ट बैच में 20 अप्रोक्सीमेट और आपका सेकंड बैच में 10 अप्रोक्सीमेट। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 30 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि कदम ताल में ही बाहर हो गए थे। तो मैंने इनसे पूछा क्या रीज़न रहा था भाई कदम ताल में आउट होने का, क्योंकि पहली बार कदम ताल कराई जा रही है, जबकि रैली की भर्ती में तो ऐसा कुछ हुआ देखने को नहीं मिला था। तो उन्होंने बोला था कोई रीज़न आउट करने का, मैंने जब इनसे पूछा तो उन्होंने बोला प्रॉपर वे में नहीं कर रहे थे। तो क्या था कि जब आपको बताया गया था आपको इस तरीके से कदम ताल करना है, तो उनका जो वे था, उनका जो कदम ताल करने का तरीका था वह ठीक नहीं था। जिस तरीके से उन्होंने जो स्टाफ होता है उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपको इस तरीके से अपना PFT का कदम ताल करना है, तो उन्होंने इस तरीके से अपना कदम ताल नहीं किया था, तो उस वजह से उनको आउट कर दिया गया था। तो इसके पश्चात इनका ब्रेकफास्ट हुआ और इसके बाद इनका SRT हुआ। तो मैंने इनसे पूछा कुल मिलाकर क्या चांस दे रहे थे PFT का जब कदम ताल किया गया था, तो उन्होंने बोला चांस नहीं दे रहे थे। तो आप यहां से इसको नोट डाउन कर लें, आपको चांस नहीं दे रहे थे। देखिए अपने महान मन में ये डाउट क्रिएट आप यहां से ना करें कि हमारा जो PFT है हार्ड हो रहा है, हम बाहर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हार्ड उनके लिए जिन्होंने रेगुलर प्रैक्टिस नहीं की है। देखिए 50 कदम ताल ज़्यादा होती नहीं है, यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं आप इन कदम तालों को पूरा कर लेंगे। देखिए ये भी तो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना कदम ताल पूरा किया है, तो ऐसे भी आप अपना कदम ताल कर लेंगे। आप बिल्कुल अपने माइंड में किसी भी प्रकार का कोई डाउट क्रिएट ना करेंगे, क्या होगा कहीं आउट तो नहीं कर दिया जाएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर अपना देखिए सेकंड फेज दें और आप निश्चित ही अपना सेकंड फेज क्लियर कर जाओगे। तो मैंने इनसे पूछा क्योंकि पुशअप हुआ था, तो मैंने इनसे पूछा पुशअप में कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट आउट हुए थे, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट यही था। तो उन्होंने बोला पुशअप में कुल मिलाकर जो सेकंड बेस था उसमें से 10 अप्रोक्सीमेट आउट हुए थे। तो मैंने इनसे पूछा होल्ड करा रहे थे क्या, तो उन्होंने बोला हाँ होल्ड करा रहे थे। मैंने पूछा इनसे कितनी देर होल्ड करा रहे थे, तो उन्होंने बोला अप्रोक्सीमेट टाइम जो था 8 सेकंड था। देखिए आपको जो 8 सेकंड तक अप्रोक्सीमेट वहाँ 11 जनवरी को आपका जो जोधपुर है 5ASC वहाँ पर होल्ड कराया गया था। तो देखिए आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आई थिंक आप जो अपना टाइम है उसको भी मैनेज कर जाओगे। तो आप देख जाएं, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, आप अपने मन में बिल्कुल डरे ना। देखिए अपने मन से सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने मन से अपने डर को निकाल दें, आप डेफिनेटली PFT को क्लियर कर जाओगे। देखो आप प्रैक्टिस करो, बिल्कुल आपका जो PFT का जो पुशअप है क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने इनसे पूछा स्क्वायर सेटअप का क्या सीन रहा, तो स्क्वायर पुशअप में कुल मिलाकर एक कैंडिडेट को ही आउट कर दिया था। आप यहाँ से देख सकते हैं एक ही आउट हुआ है। तो मैंने इनसे पूछा इसमें दोबारा चांस दे रहे थे क्या पुशअप सेटअप और स्क्वायर्स, तो उन्होंने बोला नहीं दे रहे थे। तो मैंने इनसे पूछा इसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम तक फॉर्म फिल करवाने के पश्चात उसके बाद 9 बजे आपका SRT टेस्ट हुआ था। तो वहाँ आपके द्वारा बहुत सारे फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, तो आपके जब फॉर्म फिल करवाए जा रहे थे तो उसके पश्चात क्या था कि 9 बजे अप्रोक्सीमेट आपका वहाँ SRT टेस्ट प्रारंभ हो गया था। तो मैंने इनसे पूछा SRT टेस्ट कैसा रहा, तो उन्होंने बोला जो SRT टेस्ट था वह मॉडरेट ही था और 3 स्टूडेंट उसमें आउट हुए थे। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं जो रेशियो SRT का PFT की अपेक्षा देखा जाए तो कहीं ना कहीं ईजी ही रहा है। तो SRT जो टेस्ट है कहीं ना कहीं बहुत कम कैंडिडेट इसमें आउट हो रहे हैं। तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे तो आपके साथ ही सेम यही सीट रहने वाला है, आप बिल्कुल क्वालिफाई कर जाओगे प्रैक्टिस करें। तो DFT नहीं हुआ, तो उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि DFT हुआ नहीं है। तो जैसा कि आपको पता ही चल चुका हुआ इस बार DFT टेस्ट नहीं लिया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स द्वारा।
तो मैंने इनसे पूछा इसके बाद क्या हुआ था, लंच हुआ, उसके बाद फॉर्म फिल करवाई कुछ टाइम तक, फिर जीडी का ग्रुप डिवाइड हुए। तो क्या था कि इसके पश्चात इनका लंच हुआ, लंच करने के पश्चात इनका जो जीडी के लिए ग्रुप बना दिए गए थे, क्योंकि आपको पता है 15-15 कैंडिडेट के ग्रुप बना दिए जाते हैं, और इसके पश्चात इनका जीडी प्रारंभ हुआ था। इनका जो बेस था 9वां इनका बेस था। तो मैंने इनसे जब पूछा कुल मिलाकर पीएफटी में कितने कैंडिडेट आउट हुए थे, तो उन्होंने बोला पीएफटी में कुल मिलाकर 70 कैंडिडेट आउट हुए थे। तो आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर जाएं, 11 जनवरी को पीएफटी, उसमें आपका कदम ताल पुशअप स्क्वाट सब मिलाकर 70 कैंडिडेट आउट हुए थे, यानी सबसे ज़्यादा कैंडिडेट देखने को मिल रहे हैं आउट 11 जनवरी को 5ASC जोधपुर सेंटर से। तो मैंने इनसे पूछा आपका जो जीडी टॉपिक था क्या था, तो उन्होंने बोला जो मेरा जीडी टॉपिक था मेरे ग्रुप का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्सेस गवर्नमेंट जॉब। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जीडी टॉपिक है और आगे भी आना इसका कन्फर्म है। आप बिल्कुल इस टॉपिक को अपने माइंड में सेटल कर जाएं और इसकी जो प्रैक्टिस है अच्छी तरीके से कर जाएं, कहीं ना कहीं आपको ही बेनिफिट होने वाला है इसका। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे बैच में 15 कैंडिडेट थे और 10 का सिलेक्शन हो गया था। तो इनका जो बेस्ट था उसमें मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, 15-15 कैंडिडेट होते हैं एक ग्रुप में, और जब लास्ट में जितने कैंडिडेट बचते हैं, जैसे कि वहाँ सपोज दैट 130 कैंडिडेट हैं और उन्होंने 15-15 किए 8 बैच बना दिए, तो 10 कैंडिडेट बचे, तो 10 कैंडिडेट को वो एक अलग ग्रुप में भेज देंगे। तो इस तरीके से वो आपके 15-15 कैंडिडेट के सबसे पहले आप ग्रुप बनाते हैं। तो किसी दूसरे ग्रुप का पता है आपको जीडी टॉपिक, मैंने जब इनसे पूछा तो उन्होंने बोला रिमैक्स सॉन्ग्स और को एजुकेशन। देखिए बहुत ही कहीं ना कहीं देखिए को एजुकेशन का देखिए बहुत ही कॉमन टॉपिक है को एजुकेशन। तो इस टॉपिक को अवश्य देख जाएं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका जब सेकंड फेज लिया जाए, आप जब जीडी देने जाओ, तो कहीं ना कहीं आपके में आप के लिए भी यह टॉपिक आ सकता है। तो इन टॉपिकों को एक बार अवश्य देख जाएं। देखिए जितने भी जीडी टॉपिक बताए जा रहे हैं इन एएससीओं पर, चाहे आपका किसी भी एएससी का जीडी टॉपिक हो, उन टॉपिकों को भी एक बार अवश्य देख जाएं। देखिए आपको ही इससे बेनिफिट होने वाला है। तो मैंने इनसे पूछा जो कैंडिडेट क्या था कि जीडी में आउट हुए थे, उनके जीडी में आउट होने का कोई रीज़न, तो उन्होंने बोला प्रॉपर इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना है। और जो कैंडिडेट क्या है कि जो प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जो ऑफिसर था, कमांडिंग ऑफिसर था, जो वहाँ का विंग कमांडर था, और जिसने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे उनको प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे थे, और उनका जो ये रही कहीं ना कहीं यही मेन रोल था कि उनको आउट होने का। तो इन्होंने बोला जो कुछ भी बोले फ्री माइंड होकर बोले, आप फ्री माइंड होकर वहाँ जाएं, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना लें। तो इन्होंने मैंने जब इनसे पूछा आपका जो मेडिकल है कब है, तो उन्होंने बोला मेरा जो मेडिकल है 4 फरवरी को है जैसलमेर राजस्थान में, और यह वहाँ से 8 बजे शाम को फ्री हुए थे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या है कि इनके मन में ये भी बात होती है कि इस बात को भी पूछ लेना कि वहाँ से कितने बजे फ्री हो रहे हैं। तो देखिए 5:30 बजे इनकी एंट्री हुई थी और 8 बजे वह फ्री हो गए थे। तो क्या है कि आप 8 बजे तक किसी एसी पर 7 बजे भी फ्री कर दिए जाते हैं। तो देखिए लास्ट टाइम 8 ही है, आप 8 से पहले ही वहाँ से फ्री कर दिए जाओगे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी वहाँ रिपोर्टिंग करें, और पीएफटी को लेकर किसी भी प्रकार का कोई डर अपने माइंड में ना बनाएं। और आपको यही बताना था, और जो भी कोई कैंडिडेट क्या कि अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। यदि आप इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो शेयर कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो और कैंडिडेट हैं उनको भी एक हेल्प मिल जाए। थैंक्स।